गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 8 फ्रॉम आवर बुक द लास्ट बार्गेन। इन दिस पोएम देर इज अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पावर, मनी, फिजिकल ब्यूटी एंड इनोसेंस। बार्गेन क्या होता है कि जब दो इंसान आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ जो उनकी डिस्कशन है वो एक जिद के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जब बहस करते हैं वो होती है। ये जो पोएम है वो एक कॉन्ट्रेस्ट है पावर, मनी और फिजिकल ब्यूटी और इनोसेंस के बीच में। इस पोएम के अंदर कैसे स्टार्ट होती है, बिगिन विद द किंग वॉन्टेड टू हायर द स्पीकर। यहाँ पर एक राजा है जो कि स्पीकर को हायर करना चाहता है अपनी पावर के साथ, बट ही डज नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है, उस राजा के बाद कम्स द ओल्ड मैन। उस स्पीकर के पास एक ओल्ड मैन आता है, वॉन्ट्स टू हायर हिम विद हिज मनी। वो उस बच्चे को अपने पैसे के साथ हायर करना चाहता है, बट हैज़ नो फेस फेलियर। अ मेड वॉन्ट्स टू हायर हिम विद हर चार्म। यहाँ पर एक मेड आती है, वो उसे अपनी जो मुस्कुराहट है उसके साथ हायर करना चाहती है, लेकिन वो भी जल्दी फेल हो जाती है। एट द एंड कम्स ए चाइल्ड हु वॉन्ट्स टू हायर द स्पीकर विद हिज इनोसेंस। लेकिन लास्ट के अंदर जो बच्चा है वो अपने इनोसेंस से एक इंसान के साथ जाने के लिए तैयार होता है। द स्पीकर एग्रीज एज इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी नेवर फेल। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी आई क्राइड। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि आओ और मुझे हायर करो। हायर मीन्स मुझे अपने साथ लेके जाओ। वेल इन द मॉर्निंग, किस टाइम पर था, सुबह के समय, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन यानी कि जो पथरीली रोड थी उस पर मैं जा रहा था उस टाइम पर। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। उसी टाइम पर ये राजा आता है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड, इट मीन्स तलवार होती है, और वो अपने चैरियट पर, रथ पर आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड। उस राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर। तो उसने ये कहा कि मैं अपनी पावर के साथ तुम्हें हायर कर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन जो उसकी पावर थी काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाए वो। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, इट मीन्स राजा अपनी पावर के साथ जो स्पीकर है उसको हायर करना चाहता था, लेकिन अपनी पावर से भी वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर। अब पहले सुबह का टाइम था, इस टाइम तक दोपहर हो चुकी थी, तो इतनी तेज़ धूप के अंदर जो घर थे वो सब अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन। और उसी टाइम पर मैं घूम रहा था, वेंडर्ड मीन्स घूमना, और वो तंग जो गलियां थी उनके बीच में। एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। उसी टाइम पर एक ओल्ड मैन मेरे पास आए जिनके पास एक बैग था, वो फुल ऑफ गोल्ड था। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। वो हैरान होते हुए, पॉन्डर्ड मीन हैरान हुआ, ही पॉन्डर्ड एंड सैड, आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें अपनी मनी के साथ हायर कर लूँगा। ही वेट्स हिज कम्स कॉइन्स वन बाई वन। तो उसके पास जितना गोल्ड था उसने वन बाई वन काउंट करना शुरू किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से भी चल पड़ा। इट वॉज इवनिंग। अब शाम का टाइम था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लॉर। वहाँ पर एक गार्डन देखा जिनकी जो किनारे थे, इट मीन जो बाउंड्री बाहर बनी होती है, वो फूलों से भरी हुई थी। द फियर मेड केम आउट एंड सैड। वहाँ पर एक जो मेड थी वो आई जिसके बहुत चार्मिंग फेस था। आई विल हायर यू विद स्माइल। उसने कहा कि मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें हायर कर रही हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। लेकिन उसकी स्माइल जो थी वो जल्दी ही आंसुओं के अंदर चेंज हो गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और वो भी अंधेरा होने पर वापस चली गई। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड। अब उस टाइम पर जो मिट्टी की चमक थी, मिट्टी के ऊपर जो सूरज की रोशनी थी वो चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली। और जो वहाँ पर मिट्टी के ऊपर जो सूरज की किरणें गिर रही थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि समुंदर के किनारे पर जो वेव्स होती हैं वो किनारा तोड़कर बाहर आ रही हूँ ऐसे। द चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। यहाँ पर जो बच्चा था वो शेल्स के साथ खेल रहा था। शेल्स क्या होती हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, यहाँ पर जो बच्चा है ये शेल्स के साथ खेल रहा है। शेल्स क्या होते हैं, जो सीप होती हैं समुंदर के अंदर, उसके साथ खेलने वो लग जाता है। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड। उसने अपने गर्दन को ऊपर उठाया और मुझे देखते हुए कहा, आई हायर यू विद नथिंग
फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। जिस टाइम पर बच्चा खेल रहा था तो वहाँ पर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और उसकी जो बार्गेन थी, उसकी जो डिस्कशन थी, वो उसी टाइम पर ख़त्म होती है। उस टाइम पर उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया। इट मीन्स इस पोएम के अंदर स्टार्टिंग में एक राजा आता है जिसके हाथ में तलवार थी, वो अपनी पावर से किसी बच्चे को हायर करना चाहता है। सेकंड में एक ओल्ड मैन आते हैं जो पैसे के साथ उसे हायर करना चाहते हैं। थर्ड पर एक मेड आती है जो अपनी चार्मिंग जो स्माइल थी उसके साथ उसको हायर करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में बच्चा जो है वो इनोसेंस से ही हायर होता है।